तो गाइस आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। और गाइस आपको तो पता है अपने गेम के अंदर एक नई MP40 आने वाली है, तो मैं आज इस वीडियो में उसका डैमेज कंपैरिजन करूंगा, इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स है और क्या क्या कम है, तो उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, कि मैं उसके साथ साथ बताऊंगा कि इन तीन गन में से कौन सी सबसे बेस्ट स्किन होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग और धमाकेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं पोकर MP40। तो यहाँ पे देख सकते हो डबल डैमेज, रेट ऑफ फायर प्लस और रेंज माइनस आता है। इसके एट्रीब्यूट्स बिल्कुल ही सेम कोबरा MP40 और बाकी MP40 जैसे आएंगे अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डैमेज वगैरह, यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में 25 का डैमेज दे रहेगा बॉडी पे और 137 का हेड पड़ रहेगा, जो कि बहुत अच्छा डैमेज है। अब यहाँ पे लेवल 2 के वेस्ट में देखते हैं डायरेक्ट, तो 75 का हेड पड़ रहा है, 12 का डैमेज पड़ रहेगा बॉडी में। तो अब इसका लेवल 3 के वेस्ट में भी देख लेते हैं कि कितना डैमेज पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लेवल 3 का वेस्ट कर लेता हूँ। अब लेवल 3 के वेस्ट में देख सकते हो 8 और 18 का डैमेज पड़ रहा है, तो यहाँ पे 8 का नॉर्मल डैमेज है और 59 का डैमेज पड़ेगा यहाँ पे। और अब लेवल 4 के वेस्ट हेलमेट में देखते हैं, तो वेस्ट हेलमेट में देख सकते हो 53 का हेड पड़ रहेगा और बॉडी पर 7 का डैमेज पड़ रहा है, मतलब 1 ही कम हुआ है। तो अब हम गेम के अंदर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि इसमें कितना ज्यादा रेंज है, ऐसा रेंज माइनस है तो कितना वो सही है। तो यहाँ पे देख सकते हो 75 के हेड पड़ रहेंगे लॉन्ग रेंज में, मिडिल रेंज में, और लॉन्ग रेंज में भी 105 ऐसे और ज्यादा डैमेज पड़ रहेगा इसका। देख सकते हो सेम डैमेज बहुत ही सही है, 14 15 16 17 18 और 20 तक के भी डैमेज पड़ जाता है। यहाँ पे हेड लगने के बहुत ज्यादा चांस हैं क्योंकि इसमें आता है डैमेज डबल और रेट ऑफ फायर प्लस। तो यहाँ पे देख सकते हो 20-20 का भी डैमेज दे रही है, लॉन्ग रेंज में भी थोड़ा ठीक ही डैमेज है, लेकिन गाइस इसका रेंज कम है तो रेंज में देखना अभी थोड़ा दिक्कत कर देगा। यहाँ पे अभी लॉन्ग रेंज में भी मार देंगे तो इसका डैमेज देख सकते हो मिडिल रेंज में भाई, और शॉर्ट रेंज में अगर कोई बंदा फंस गया तो भाई ये वाली गन जरूरी उसको खत्म ही कर देगी। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये वाली MP40 के हेड बहुत ही तगड़े खींचते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसका रेंज माइनस होने के कारण लॉन्ग रेंज में हेड लगने के बहुत ही कम चांस रहते हैं, बाकी शॉर्ट रेंज में अगर आ जाए बंदा तो बंदे को बहुत ही ज्यादा डैमेज और हेड भी बहुत ज्यादा पड़ेंगे। तो ये वाली स्किन मेरे को इसलिए बेस्ट लगती है क्योंकि ये शॉर्ट रेंज के लिए है कि मैं, और अगर लॉन्ग रेंज में इसका डैमेज देने की कोशिश करोगे तो गाइस आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें रेंज ही माइनस है, तो ये लॉन्ग रेंज में इतना अच्छा डैमेज नहीं देगी। तो ये वाली गाइस, और वैसे ये लॉन्ग रेंज में क्या करना है ये शॉर्ट रेंज की गन हैगी। तो गाइस अगर आपके पास ये वाली इस MP40 हैगी तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता। तो गाइस ये है इवो MP40 और गाइस सबसे बेस्ट MP40 अभी तक की, और डबल डैमेज, रेट ऑफ फायर प्लस और रिलोड स्पीड माइनस आता है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये फुल मैक्स हैगी, यहाँ पे मैंने अपने दोस्त की आईडी से लिया हूँ उसे वीडियो बनाने के लिए। तो अब गाइस इसका डैमेज वगैरह देखते हैं कि कैसा डैमेज है। तो यहाँ पे आ गया हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका नॉर्मल डैमेज है 25 का, जो कि हर एक डबल रेट ऑफ फायर और डैमेज प्लस वाली देती हैगी। तो यहाँ पे देख सकते हो गए यहाँ पे लेवल 2 के वेस्ट में 75 का हेड पड़ रहा है, 12 का डैमेज पड़ रहा है बॉडी पे। अब लेवल 3 के वेस्ट हेलमेट में देख सकते हो गए 8 का बॉडी में पड़ रहा है और 59 का डैमेज पड़ रहा है, बिल्कुल पोकर MP40 जैसे डैमेज रहेगा क्योंकि इसका भी एट्रीब्यूट सेम है, उसका भी बस उसमें माइनस कुछ और है, उसमें कुछ माइनस कुछ और है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें डैमेज वगैरह तो ठीक रहा। अब यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर भी देख लेते हैं क्योंकि उसमें इतना अच्छा नहीं बताता, और यहाँ पे देख सकते हैं मिडिल रेंज, शॉर्ट रेंज सब जगह से मारेंगे जिससे पता चल जाए इसका फेर वाला पूरा डैमेज। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाली गन फुल मैक्स है यकीन नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो MP40 का मोड। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके हेड वगैरह कितने ही धाजू लगते हैं 75 पर, इसका एनिमेशन होने के कारण भी इसको नंबर 1 में रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका एनिमेशन गाइस इतना महंगा है, मतलब इतना अच्छा हैगा। तो गाइस ये वाले और MP40 इतना अच्छा है कि यहाँ पे भाई ऑटोमेटिक भी ड्रैग हेडशॉट लगते हैं, थोड़ा सा ड्रैग मारो अपने आप हेडशॉट पड़ जाते हैं, मैंने खुद इसे यूज किया हूँ और गाइस मेरे को बहुत ही अच्छी लगी ये वाली MP40, सबसे बेस्ट MP40 मेरे को यही लगती है। कि यहाँ पे देख सकते हो इसके लॉन्ग रेंज और मिडिल रेंज सब में इसका अच्छा डैमेज है, 18 18 16 17 18 ऐसे, और कभी कभार 20 19 का भी डैमेज देती है। यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग रेंज में भी 33 इतना लॉन्ग रेंज में भी हेड पड़ जाता है, तो इतना अच्छा रेंज है इसका। देख सकते हो रेंज इसमें माइनस नहीं है और कुछ भी माइनस नहीं है, सिर्फ इसका रिलोड स्पीड माइनस तो उसमें भी हो ही जाती है क्योंकि ये MP40 जल्दी रिलोड हो ही जाती है। तो ये वाली स्किन मैं तो सबसे बेस्ट बोलूंगा। यहाँ पे देख सकते हो कि इसका डैमेज वगैरह कितना ही अच्छा है, मिडिल रेंज, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में भी इसका 19 17 18 19 का ऐसे इसका डैमेज रहता ही है। तो ये वाली स्किन आपको भाई कैसी लगी, और गाइस अगर आपके पास ये वाली स्किन हैगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये लेवल कौन सी है, कितने लेवल की है आपकी MP40 है। तो गाइस ये वाली है एक न्यू MP40 और इसमें आता है डबल डैमेज, सिंगल रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड माइनस। और गाइस ये वाली MP40 बहुत ही जल्द आपको गेम के अंदर देखने को मिलने वाली है। और गाइस ये वाली MP40 क्या कोबरा MP40 और फ्लैश मतलब पोकर MP40 से भी अच्छी MP40 हो सकती है? मेरा कहना है कि हाँ भाई हो सकती है क्योंकि इसमें मूवमेंट स्पीड बस माइनस है। और गाइस मूवमेंट स्पीड को कवर करने के लिए कैली का यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी स्किन हो जाएगी। और गाइस अगर इसका डैमेज वगैरह की बात करें तो बिल्कुल सेम डैमेज कोबरा MP40 और पोकर MP40 जैसा रहेगा, बाकी और इसमें कुछ वो है नहीं। बाकी भाई इसका मूवमेंट स्पीड माइनस रहा तो मैंने भी उसका बता दिया कि कैली यूज़ कर लो, उसका मूवमेंट स्पीड बहुत ही सही हो जाएगा। तो ये वाली स्किन मेरे को बहुत अच्छी लग रही है कि आएगी तो बहुत ही तगड़ी होगी।
और गाइस ये वाली MP40 कोबरा MP40 को टक्कर देने के लिए बहुत ही सही गन है। और गाइस अगर बात करूँ अगर मैं कि अभी भी इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट है तो मैं भी भाई अभी भी कोबरा या MP40 को बोलूंगा, क्योंकि वो ईवो गन है और ईवो गन को ऐसा बनाई डिजाइन किया जाता है कि वो सबसे बेस्ट स्किन होगी अभी तक की। और गाइस उसके जैसे कोई स्किन नहीं होगी, भलाई उससे थोड़ी अच्छी हो सकती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो गाइस ये वाली स्किन को मैं इतना अच्छा बेस्ट नहीं बोलूंगा, सिर्फ कोबरा MP40 को बोलूंगा। तो गाइस अगर आपके पास पोकर MP40 या कोबरा MP40 है तो इसे मत निकालना, क्योंकि ये आपके कोई काम की नहीं है। बिल्कुल सेम डैमेज और सेम एट्रीब्यूट्स हैंगे इसके भी, तो ये आपके कोई काम की नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका डैमेज वगैरह और कैसी होगी ये गन। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और उम्मीद आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग क्या कर रहे हो आज, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे सेट कर देना, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।